अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शेराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है जिसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर विजिटिंग लेक्चरर हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि रिलैप्स प्रिवेंशन जो है एक प्रोग्राम वो क्या होता है, और नशे के मरीजों को जो है रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में जो है कैसे गाइड किया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी मैं भी ठीक सर। रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में आप जो है आज हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है परेशान होते हैं कि हमने जो है किसी रिहैबिलिटेशन में अपने मरीज का जो है इलाज करवाया है, लेकिन इलाज के बाद जो है वो दोबारा से जो है नशे की तरफ चला गया, तो हम बड़े परेशान हैं, तो क्या करें? फिर जो यानी कि रिहैबिलिटेशन में इलाज किया जाता है, तो वो समझना कि आप 50% उसका ट्रीटमेंट हुआ होता है, जो बकाया 50% ट्रीटमेंट है वो आउटडोर बेसिस पे होता है, जिसमें सीबीटी के कुछ स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स हैं सीबीटी के, जो कि रिलैप्स प्रिवेंशन में अहम रोल अदा करते हैं। तो इसमें पेशेंट्स को सिखाया जाता है इन स्टेप्स के थ्रू कि जी उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चलना है। अब हम अगर इन स्टेप्स को डिस्कस करें, तो मैं आपको वन बाय वन इन सारे स्टेप्स के मुतलक बताता हूँ, जो कि रिलैप्स प्रिवेंशन में बहुत सी स्टडी से भी साबित हुआ है कि बहुत ज़्यादा इनका जो रोल है बहुत ज़्यादा अहम कंसिडर किया जाता है रिलैप्स प्रिवेंशन में। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि जी नफ़ा और नुकसान का जायज़ा लेना। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जी जो पेशेंट होता है एडिक्शन का, उसे कहा जाता है कि जी आप कोई चीज़ बाज़ार से लेने जाते हैं, तो आप उसमें से उसके फ़ायदे और नुकसान देख के उस चीज़ को परचेज करते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जूता पहनने के लिए लेने जाते हैं ना, तो आप उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस तयन करते हैं, और फिर उसके बाद आप उतनी प्राइस में उसको परचेज करते हैं। अगर तो वो लो कॉस्ट में यानी कि अगर तो उसकी कीमत कम हो तो आप उसको परचेज कर लेते हैं, फ़ायदा है कि जी कम प्राइस में मिल रहा है और सूट कर रहा है, और इसके अलावा वो आपके पाँव में बहुत कम्फर्टेबल आप फील कर रहे हैं उस जूते के साथ। तो जब हम पहनने की चीज़ों में इतने कॉन्शियस हैं, तो हम अपने खाने पीने की चीज़ों में इतने कॉन्शियस क्यों नहीं हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं क्या उसका फ़ायदा है या नुकसान है। आज से पहले जो भी यानी कि मरीज होगा, मैं शोटी के साथ कह सकता हूँ, उसने कभी ये नहीं सोचा होगा नशे के मरीज ने कि इसके फ़ायदे हैं कि नुकसान है। शायद आज का ये जो हमारा सेशन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को, इसको सुन के वो इस काबिल ज़रूर हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं दिल ज़रूर करेगा कि वो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर करे अपनी एडिक्शन का। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से कहते हैं आपने चार कॉलम बना लेने हैं, जिसमें सबसे पहले आप लिखें नशा करने का फ़ायदा, सेकंड में लिखें नशा करने का नुकसान, थर्ड पे लिखें नशा ना करने का फ़ायदा, फोर्थ पे लिखें नशा ना करने का नुकसान। जब कोई भी मरीज इस तरह से चार कॉलम एक पेज के ऊपर बना के लिखेगा, तो वो नशा करने का फ़ायदा सोचेगा, तो उसे दो तीन चार से ज़्यादा कोई फ़ायदे नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि वो कह देगा जी सुकून के लिए, लुत्फ़अंदोज़ी के लिए, या सेक्स पर्पज़ के लिए। मोस्टली जो मेजॉरिटी यंगस्टर्स की है वो एडिक्शन को सेक्स पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो वो ये कह देंगे। जब उनसे नेक्स्ट कॉलम की तरफ वो मूव करेंगे, जब उधर लिखने की बारी आएगी, तो वो लिखेंगे कि जी सेहत का नुकसान, माल का नुकसान, जान का नुकसान, माशरे में कोई इज्जत नहीं रही, खुद एतमादी में कमी आ गई, बेचैनी, सुकून की नींद ना आना, और इसके अलावा बहुत से मल्टीपल्स जो हैं वो नुकसान के बारे में
बात करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि जी मल्टीपल इसके नुकसान आते हैं, तो वो जब लिखेंगे ना तो वो एक शायद पूरा पेज ही भर जाए इससे। और जब वो थर्ड कॉलम की तरफ मूव करेंगे कि नशा ना करने का कोई फ़ायदा है, अगर नशा ना करें कोई फ़ायदा होता है, तो वो देखेंगे हाँ बिल्कुल आप इस्लाम से जो दूर हुए हैं इस्लाम के करीब आ जाएंगे। एडिक्शन की हालत में बंदा इस्लाम से दूर हो जाता है। सेकंड, जो उसका माली नुकसान है वो ख़त्म हो जाता है, जानी नुकसान ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो माशरे में इज्जत गई होती है, बहन भाइयों में इज्जत गई होती है, फैमिली में जो उसका रोल होता है वो दोबारा से कदर की निगाह से देखा जाना शुरू हो जाता है। जो लोग ये नहीं करते वो बेहतर जान सकते हैं, और जो लोग ये छोड़ चुके हैं वो उससे भी ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। और इसी को अगर हम मूव करें फोर्थ पे, तो नशा ना करने का नुकसान, अगर नशा ना करें कोई नुकसान होगा, कोई भी समझदार बंदा ना ये नहीं कहेगा कि जी होगा। डेफिनेटली अगर हम नशा नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन द एंड हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, नतीजा अर्ज करते हैं जो फर्स्ट स्टेप है CBT का रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए। उससे ये हमें बात पता चल जाएगी कि नशे के नुकसानात ही नुकसानात हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो लिहाजा हमें नशा नहीं करना चाहिए। ये जब आप किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से बाहर चले जाते हैं तो अपनी डेली लाइफ में कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस करना आप स्टार्ट कर दें, तो ये आपको बहुत से मसाइल से बचा देगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। सर एक क्वेश्चन ये था कि जो फैमिलीज हैं परेशान हो जाती हैं कि नशे के इलाज के बाद जो है हमारा जो पेशेंट है दोबारा जो है नशा करना शुरू कर गया, तो दोबारा उसके इलाज के लिए एडमिशन करवाना जो है ज़रूरी है कि नहीं है? और फिर मेरा ख्याल में अगर तो पेशेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर से गया, अगर तो वो एक मर्तबा कर लिया उसने जज्बात में आके, तो ये समझ लें कि ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीख रहा है वो गिर गया है, आपने उसको मोटिवेट करना है। फैमिली जो होती है वो उसे बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। क्रिटिसाइज नहीं करना बल्कि उसको मोटिवेट करना है कि जी आप ये काम कर सकते हो। इसी तरह जो थेरापिस्ट होगा वो इमीडिएटली उसे कंसल्ट करे, और उसके बाद वो थेरापिस्ट जो होगा वो उसे फर्दर गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि आपने किस तरह से, अगर एक मरतबा हो भी गया है तो इसका हरकत मतलब ये नहीं कि आप अडिक्ट हो गए हो, इसका मतलब ये है कि अभी आप गिरे हो तो गिर के आप उठ सकते हो। बच्चा एक दो मरतबा गिरता है जब शुरू में साइकिल चलाना सीखता है, और एक वक्त आता है उसे मुकम्मल उस चीज़ के ऊपर कमांड आ जाती है। जितनी अटेंशन से पहले साइकिल को चलाना सीखता ना, फिर उसे उतनी अटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने कई मरतबा देखा होगा बच्चे जो एक हाथ से चला रहे होते हैं, बच्चे हाथ दोनों ही छोड़ के चला रहे होते हैं, क्योंकि उनमें एक स्किल डिवेल्प हो चुकी हुई है कि जो उन्होंने कोप करना सीख लिया हुआ है। कोपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, और फैमिली एजुकेशन जो है वो उससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि फैमिली अगर क्रिटिसाइज करेगी वो बंदा बजाय इसके कि जो आपने किए पे शर्मिंदा होगा। मोस्टली क्या होता है कि जब रिहैबिलिटेशन सेंटर से बंदा इलाज करवा के चला जाता है, एक मरतबा कर लेता है, उसको अपने किए पे नदामत होती है। आप उस नदामत को यूज़ करके उसको एडिक्शन से बचा सकते हो, ना कि उसे क्रिटिसाइज करके एडिक्शन से बचाओगे। सही, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जिन फैमिलीज का ये ख्याल है कि जो है हमारे लव वन या उनका कोई अजीज जो है वो दोबारा इलाज के बाद जो नशे की तरफ चले जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि जो है एक ऐसा रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम है जिसके तहत जो है दोबारा उस पेशेंट का जो है इलाज किया जाता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये जो है एक फेलियर होता है और इस फेलियर से ही उसने सीखना होता है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।